दोस्तों, आपने जेब द किलर हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले बहुत सारे पार्ट देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपको हमारी स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बुरा लगता है तो डिसलाइक करें। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जेब गुल्ली को मारने के बाद वहां से उठता है और इधर उधर देखता है, तभी उसे जीप के बगल में शॉन दिख जाते हैं। फिर जेब द किलर शॉन की ओर जाने लगते हैं। आप आगे की स्टोरी देखिए। लगता है जेब आज गुल्ली बुल्ली और शॉन ये तीनों के चैप्टर क्लोज कर देगा। जेब द किलर को आते देख के शॉन छुपने के लिए सीधा जंगल की ओर भागने लगते है। शॉन को जंगल की ओर जाते देख के जेब द किलर अपने चलने का स्पीड बढ़ा देते है। शॉन जब देखता है जेब तेजी से आ रहा है, तब शॉन और भी तेजी से भागने लगते है और आगे पीछे बार बार देखने लगते है। ऐसे जाते जाते शॉन पेड़ से टकरा जाते है और गिर जाते है। जेब लगता है आप शॉन को पकड़ पाएगा। अरे ये किया, लगता है बुल्ली अभी भी नहीं मरा। बुल्ली को लग रहा है होश आ रहा है। ये गुल्ली बुल्ली बहुत ही हट्टे कट्टे और चोरबीदार है, इसीलिए ये लोग आसानी से नहीं मरता है। बुल्ली को होश आने के बाद वो कहीं नहीं दिखता, सीधा बाबा के घर के ओर जाने लगते है। बाबा के घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, बुल्ली को जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेंगे। ऐसे ही जाते जाते थोड़ी ही वक्त में बुल्ली बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बुल्ली जीप से नीचे आते हैं और बाबा के घर के सामने जाते हैं, लेकिन ये किया, बाबा तो कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है बाबा कहीं चला गया होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो बाबा कहाँ चला गया होगा? क्या बुल्ली को इस बार मदद नहीं मिलेगा? ऐसे ये लोग जेब के हाथों मर जाएगा। अरे ये क्या, बाबा तो आ रहा है, बाबा तो कहीं नहीं गया। लेकिन बाबा के हाथों में लोटा क्यों है? मैं जो सोच रहा हूँ आप लोग भी क्या वही सोच रहे? अरे हाँ, आप बिल्कुल ठीक पकड़ा, बाबा पोटी करने गए थे। ये सोच के बुल्ली अपना हाथ से नाक बंद करने लगते है, क्योंकि ये बातों से बुल्ली को उल्टी आने लगते है। बाबा बुल्ली के पास आने के बाद पूछता है, अरे बुल्ली, तुम्हारे बदन में इतना खून क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ मेरे साथ, कुछ दवा लगा देता हूँ, नहीं तो इससे तुमको खतरा हो सकता है। तभी बाबा घर के अंदर से कुछ लाते हैं और बुल्ली के बदन में लगा देते हैं और बोलता है, आप कुछ नहीं होगा, अब बताओ हुआ क्या। तभी बुल्ली बोलता है, अभी बताने की टाइम नहीं है, आप तुरंत मेरे साथ चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी बाबा कहते हैं, ठीक है चलो, तुम जीप चलाओ, मैं जीप के ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे ही बुल्ली बाबा को लेके जाने लगते है। इधर जेब शॉन के करीब आ चुका है। शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा, क्योंकि जेब ने शॉन के सामने गुल्ली और बुल्ली को बेरहमी से मारा था। जेब अपने साकू से लेटा हुआ शॉन को मारने जाते है, लेकिन जेब कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि शॉन तो जेब को लात मार के दूर गिरा दिया। शॉन को फिर भागने की मौका मिल गए। तभी शॉन वहां से उठता है और फिर भागना शुरू कर देते हैं। इधर जेब भी तुरंत उठ के शॉन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बुल्ली बाबा को लेके कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। इधर शॉन दौड़ के रास्ते के ऊपर आ रहा है। अरे बाप रे, शॉन तो अभी मरते मरते बस गए। जो भी हो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा को लेके बुल्ली आ चुका है। बाबा जीप के ऊपर से जेब के ऊपर कूद जाते हैं और जेब को गिरा देते हैं। इधर बुल्ली और शॉन गुल्ली के पास जाते हैं। जेब उठकर खड़ा होते हैं और सोचता है, ये बुड्ढा से मैं मार खा गए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तभी बाबा जेब को फिर मारने के लिए दौड़ के आ रहा था। अरे बाप रे, जेब तो बाबा को जोर से मार के बहुत दूर गिरा दिया। लगता है बाबा भी नहीं मार पाएगा जेब को। इधर जेब बोलता है, अरे बुड्ढे, तूने क्या सोचा था कि मुझे तू मार पाएगा? आजा, दम है तो आजा। जेब से बचना है तो बाबा को भी गुल्ली बुल्ली के साथ यहाँ से भाग जाना सही रहेगा। अरे ये किया, बाबा की एक्सट्रीम मूड चालू हो गए। ये हुई ना बात, अब जेब को पता चलेगा बाबा क्या चीज है। तभी जेब दौड़ के बाबा को मारने जाते है। बाबा बहुत जोर से किक मार के जेब को गिरा देते है। इससे जेब को गुस्सा आते है और जेब फिर बाबा को मारने के लिए जाते हैं। इस बार भी बाबा जेब को पांच मार के नीचे गिरा देते हैं। अभी जेब को मार देना चाहिए, नहीं तो ये इन लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा।
तभी बाबा छलांग मार के जेब के ऊपर कूद जाते हैं और जेब को जमीन के अंदर भेज देते हैं। फिर बाबा गुल्ली और शॉन के साथ गुल्ली को अपने घर ले जाने लगते हैं, क्योंकि गुल्ली को बहुत ही चोट आया है, इसीलिए उसे दावा कराना पड़ेगा।